गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन 7H। दोस्तों TRE 3 BPSC TRE 3 एग्ज़ाम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकल करके सामने आ रही है। दोस्तों यहां पे देख लीजिए, 26 अगस्त तक आंसर की जारी करने का लक्ष्य है। दोस्तों 26 अगस्त तक आंसर की जारी किया जाएगा आयोग की तरफ से। दोस्तों आधे विषयों का अभी तैयार नहीं हुआ है आंसर की। दोस्तों बीच में कहा जा रहा था कि सभी विषयों का आंसर की जो है वो आपका तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही आपको आंसर की जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 26 अगस्त तक आंसर की जारी किया जाएगा। प्राइमरी से लेकर के प्लस टू का एक साथ जारी होगा आंसर की। दोस्तों प्राइमरी से लेकर के प्लस टू तक का एक ही बार आंसर की जारी किया जाएगा। OMR का रिस्पॉन्स शीट फिर से होगा जारी, ठीक है ना। 21 अगस्त तक जारी होगा फिर से रिस्पॉन्स शीट दोस्तों, और 50% आरक्षण को लेकर अभी आयोग इंतजार में। मामला दोस्तों यहीं पे अभी तक फंसा हुआ है 50% आरक्षण को लेकर के। हालांकि एक लेटर आई था जिसमें साफ साफ 50% के आधार पर रिक्ति मांगी गई थी दोस्तों, चाहे वो BPSC TRE 3 का हो, प्रधानाध्यापक का हो या फिर प्रधान शिक्षक का हो। दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग से पत्र मिलने के बाद रिजल्ट पर फैसला होगा। शिक्षा विभाग ने 50% के आधार पर रिक्ति मंगवा ली है दोस्तों, और उसी के आधार पे वो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक या BPSC TRE 3 की तैयारी में है। हालांकि अभी भी सामान्य प्रशासन विभाग से इस पर फैसला नहीं आया है। 31 अगस्त तक अभी रिजल्ट जारी करने का टारगेट है दोस्तों कि 31 अगस्त तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए। HM और हेड टीचर का पहले जारी होगा रिजल्ट, और उसके बाद BPSC TRE 3 का दोस्तों HM और हेड टीचर का फाइनल आंसर की 25 अगस्त से पहले जारी होने की पूरी संभावना है दोस्तों। और सब कुछ निर्भर करता है आरक्षण को लेकर के आयोग का पत्र कब प्राप्त होगा होता है दोस्तों। सबसे बड़ी मामला जो है दोस्तों यही है आरक्षण, ठीक है ना, आरक्षण ही है। और आरक्षण को लेकर को आयोग को कब पत्र प्राप्त होता है सामान्य प्रशासन विभाग से कि आप 50% के आधार पर ही आप रिजल्ट जारी कीजिए दोस्तों, या तो फिर वो जो आपका सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में फाइनल इसका डिटेल सुनवाई होने वाली है उस पर ये आयोग जाना चाहेगी, सरकार जाना चाहेगी, या उसका इंतज़ार करना चाहेगी सरकार दोस्तों, या तो फिर वो 50% के आधार पर ही रिजल्ट देगी दोस्तों। अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ऐसा कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है, और अभी तक ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है। जब तक सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लेटर जारी नहीं कर दिया जाएगा, मतलब सरकार की तरफ से जब तक हरी झंडी नहीं दे दी जाएगी दोस्तों, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और BPSC TRE 3 का जो है वो रिजल्ट नहीं आएगा आयोग की तरफ से दोस्तों। आयोग को जब सरकार हरी झंडी दे देगी उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से हरी झंडी मिलना, और इसी यदि उसमें लेट होगा दोस्तों तो ये जो तमाम प्रोसेस है आपका OMR शीट, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की, इसमें भी डिले होते रहेगा।